हेलो गाइस, पुष्पा की रसोई में स्वागत है। आज हम बताएंगे सिंघाड़े आटे का हलवा कैसे बन के तैयार होता है। तो ये मैंने लिया है 1 कप सिंघाड़े का आटा। इसको हम धीमी आंच में थोड़ा सा घी डाल के चलाते रहेंगे और इसको अच्छे से भूंज लेंगे। अब हलवा बना रहे हैं तो यदि भूंज के बनाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। तो इस तरह से हमें धीमी आँच में इसको चला लेंगे जब तक ये अच्छे से खुशबू ना देने लगे। तो ये देखिए, अब मेरा ये बस भूनने वाला है। तो जब तक मेरा ये आटा भून के तैयार हो रहा है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि मेरी रेसिपी ये कैसी लगी। तो ये देखिए, अब हमारा आटा भून गया है। तो अब हम ड्राई फ्रूट लेंगे। ये देखिए, काजू, किशमिश, छुहारा, सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, उसको काट लेंगे। ये मैंने चीनी ली है, 1 कप आटा था तो मैंने उसमें आधे से और आधा चीनी ली हुई है। तो जब तक हमारा ये आटा भून के तैयार हो रहा, जब तक हम ड्राई फ्रूट को भून लेंगे। अब ये देखिए, आटा भून चुका है तो मैंने इसमें चीनी डाल ली है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप पानी। ये देखिए, पानी डाल दिया है। अब इसको हम पका लेंगे। तो हमें पानी ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा ही डालना है ताकि हमारी चीनी अच्छे से इसमें घुल जाए। अब हमने घी लिया है, तो इस तरह से आपको जिस तरह से पसंद हो, कम या ज़्यादा घी उसी प्रकार से डाल सकते हैं। वैसे मैंने इसमें 2 चम्मच करीब घी डाला हुआ है, इतना ही इसके लिए पर्याप्त होता है। तो ये देखिए, अब बस हमारा हलवा बन के तैयार हो जाने वाला है। तो मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये पूरा फलाहारी है, ये आप व्रत में इसको आराम से खा सकते हैं। वैसे भी आपको पसंद हो तो खा सकते हैं, इसमें बहुत सारा कैल्शियम होता है क्योंकि सिंघाड़े से बनता है। ये देखिए, ड्राई फ्रूट मैंने काट लिए थे, उसको थोड़ा सा मैंने घी में भूंज भी लिया था। आप भूंजना चाहें तो भूंज सकते हैं, ना भूंजना हो तो ऐसे ही डाल दें। तो मैंने थोड़ा सा इसको भूंज लिया था, मैंने इसमें डाल दिए हैं, कुछ मैंने बचा लिए हैं तो मैं ऊपर से इसको डेकोरेट कर दूंगी। तो अब हमारा हलवा बनके एकदम तैयार है।